हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी है गोइंग प्लेसेस। इस स्टोरी के राइटर हैं एआर बार्टन। इस स्टोरी में राइटर एआर बार्टन एक टीनएजर लड़की के बारे में बात करते हैं जिसका नाम सोफी होता है। वह कल्पनाओं और इच्छाओं से भरी हुई होती है। वह एक गरीब परिवार से आती है। वो कहती है कि एक दिन वो ज़रूर बुटीक की मैनेजर बनेगी या एक्ट्रेस बनेगी या तो वो फैशन डिज़ाइनर बनेगी। लेकिन उसकी फ्रेंड जेंसी का मानना है कि वे गरीब हैं और उन्हें बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है। जेंसी एक रियलिस्टिक लड़की है, यानी कि वो सिर्फ वास्तविकता को मानती है और वो सोफी को वास्तविकता में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार होता है। सोफी अपने माता पिता और भाइयों, जिनका नाम जियोफ और छोटे का नाम डेरेक होता है, उनके साथ एक छोटे से घर में रहती है। हालांकि वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को उनसे व्यक्त करती है तो उसके माता पिता उसे विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे मैच्योर हैं और वे अपने जीवन की कठोर वास्तविकताओं को जानते हैं। सोफी अपने बड़े भाई जियोफ के लिए एक प्रकार का अट्रैक्शन पाती हैं कि वो लंबा, मजबूत, सुंदर और रिजर्व्ड है। वह हमेशा साइलेंट रहता है। वह उसकी चुप्पी की कल्पना करती है और अक्सर अपने विचारों और अपने जीवन के बारे में सोच, जिसके बारे में वह नहीं जानती है। सोफी एक आयरिश फुटबॉल खिलाड़ी डेनी केसी के बारे में कल्पना करती है, जिसे उसने अनगिनत मैचों में खेलते देखा था। वह एक कहानी बनाती है कि कैसे उसने विंडो शॉपिंग करते हुए उनसे मिली और यह बात उसने जियोफ को बताई। जियोफ सोफी से ज़्यादा समझदार है और वह चाहकर भी सोफी के इस बात पर विश्वास नहीं करता है। जियोफ सोचता है कि सोफी तो ऐसे बता रही है जैसे कि डेनी उसका पड़ोसी है। लेकिन जब सोफी ने पूरा विवरण बताया, यानी कि पूरा का पूरा सीन बताया, तो जियोफ को लगा कि शायद सोफी सच भी हो सकती है। वह जियोफ को बताती है कि डेनी ने उससे फिर से मिलने का वादा किया है। सोफी अपने बनाए हुए कहानी में इतनी खिंची चली गई है कि वह खुद ही यह मानने लगी कि यह सच है। सोफी आयरिश खिलाड़ी की प्रतीक्षा करती है क्योंकि उसके कहानी में उसने वादा किया था, लेकिन जाहिर है कि वह कभी नहीं आता है। फिर सोफी और उसके भाई घर जाते हैं। सोफी ने रियलाइज़ किया कि डेनी केसी ने तो कभी भी उसे नहीं मिला था। हालांकि सोफी अभी भी अपने हीरो डेनी केसी के बारे में इमेजिन करती है और उसे विश्वास है कि वह उससे मिलने ज़रूर आएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें और यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।